हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ येट अनदर वीडियो। आज की डेट में मैं आप लोगों के साथ में अपने बेटे का फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। वो 18 मंथ्स ओल्ड टॉडलर है एट द मोमेंट और बहुत बहुत शैतान है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको उसका रूटीन वीडियो देख के बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपके बच्चे इसी एज ग्रुप में फॉलो इन कर रहे हैं और आप लोग मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके बच्चे करते हैं और मेरा बच्चा नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं देखूँगी किस तरीके से हम लोग चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं और मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में किस तरीके का जाता है मेरे 18 मंथ्स ओल्ड बेबी का डेली रूटीन। आज की डेट में जो सबसे बड़ा चेंज उसके अंदर एज अ टॉडलर आया है वो ये है कि उसने अपने दिन की जो दो डिफरेंट नैप्स थी उन्हें मर्ज करके एक नैप में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जो वो 12 बजे से 2:30 बजे तक के बीच में लेता है। एंड पर्सनली फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इस चेंज के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब वो 1.5 घंटे और 1 घंटे की दो अलग अलग नैप्स लेता था तो उसमें मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था कोई भी काम निपटा लेना उतने ड्यूरेशन में। बट आज की डेट में जब वो एक सीक्वेंस पर 2.5 घंटे सोता है तो मेरा एक बड़ा काम दिन भर का कोई एक निपट जाता है जिस समय वो सो रहा होता है। तो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट चेंज। आज की डेट में उसकी सुबह जो है वो लगभग 7:30 से 8 के बीच में हो जाती है। इसी ड्यूरेशन में से हाफ एन आवर की ड्यूरेशन में वो किसी भी टाइम पे उठ जाता है डिपेंडिंग अपॉन कितनी लेट वो रात में सोया है। उसके बाद में नॉर्मली मेरी कोशिश होती है कि मैं उसे मिल्क बेस्ड कोई चीज़ दे दूँ। अब इसका रीज़न जो है वो ये है कि आज जब वो उठता है तो उसका इंस्टेंट एक ही रिएक्शन होता है, बस मुझे खेलना है। वो कोई ना कोई नई शैतानी लगता है जैसे प्लान करके उठा है, जैसे वो उसे तुरंत एग्जीक्यूट कर देना होता है। बट रात भर का भूखा पेट जिसे कहते हैं, तो बच्चे को इंस्टेंट एनर्जी किस तरीके से मिलेगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई मिल्क बेस्ड चीज़ उसको दे दूँ। मैं काफ़ी हद तक कॉर्नफ्लेक्स है, चौकोस है, मूसली है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रही हूँ एट द मोमेंट। मेरा बच्चा पर्सनली फ्रैंकली स्पीकिंग दूध बिल्कुल नहीं पीता है, ऊपर का उसको बिल्कुल नहीं पसंद है। ही स्टिल ब्रेस्ट फेड और वो ऊपर का दूध लेना बिल्कुल प्रेफर नहीं करता है। आई सिंपली डोंट नो वाई। मगर मेरी उसके पीडियाट्रिशियन से बात हुई थी और उन्होंने मुझे क्लियरली कहा था कि दूध आज की डेट में थोड़ा टैबू भी बना रखा है, ये नेसेसरी नहीं है। अगर आपका बच्चा पनीर खा रहा है, दही खा रहा है, दलिया खा रहा है, खीर खा रहा है, तो आप उस फॉर्म में किसी दूसरे फॉर्म में बच्चे को दूध पहुँचा दीजिए। ये नेसेसरी नहीं है कि वो एक गिलास दूध बैठ कर पिए। तो इस वजह से मैं नॉर्मली उसके दूध में कॉर्नफ्लेक्स वगैरह डाल के उसको एक बोल दे देती हूँ टू मेक श्योर कि हाँ वो थोड़ा सा खा ले ताकि उसको वो इंस्टेंट एनर्जी मिल सके। जिसके बाद 9 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली उसको प्रेशर आ जाता है एंड उसका पूप टाइम होता है। जिस और पूप के बाद में हम लोग यूजुअली उसे फ्रेशन अप करा देते हैं, चेंज करा देते हैं फ्रॉम द नाइट क्लोथ्स आउट, ताकि वो और कम्फर्टेबल होकर के खेल सके। 9 से 9:30 के बीच में मैं उसका ब्रेकफास्ट रेडी कर चुकी होती हूँ। ब्रेकफास्ट ड्यूरेशन में आज की डेट में मैं उसे कुछ भी सर्व कर सकती हूँ, पूड़ी, पराठा, दलिया, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट ही वांट्स टू ईट प्लस व्हाट आई एम यू नो कंफर्टेबल विद, जो मैंने बनाया होता है उस दिन। अगर वो पराठा लेता है तो वो आधा पराठा खाता है, पूड़ी एक पूड़ी खा लेता है और एक बोल पूरा वो दलिया का फिनिश कर पाता है, अगर मैंने 3 में से जो भी चीज़ मैं उसको सर्व करूँ उस ड्यूरेशन में। आफ्टर दैट इट्स हिज प्ले टाइम। 9:30 बजे के बाद में 11:30 से 11:30 बजे तक लगभग वो खूब खेलता है, खूब मस्ती करता है। वो और उसकी छोटी बहन, वो लोग आपस में बहुत खेलते हैं। हम लोगों का भी बस काम यही होता है प्रैक्टिकली सुपरविजन और खाना बनाते रहना टू मेक श्योर। आज की डेट में मेरा 90% टाइम ऐसा लगता है किचन में ही चला जाता है। बट कमिंग अप टू विवान वंस अगेन, 11 से 11:30 के बीच में मैं उसे कोई एक स्नैक सर्व करती हूँ। स्नैक उसका थोड़ा सा फ्रूट बेस्ड रखने का मैं कोशिश करती हूँ, तो सीजनल फ्रूट मैं उसे देना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। जैसे इस ड्यूरेशन में मैं उसे मेलन हो गया और वाटरमेलन हो गया या मैंगोज हो गया। आज की डेट में तो मैंगोज बहुत मतलब प्रोमिनेंट हैं, आप आराम से दे सकते हैं बच्चों को, आ रहे हैं हम तो। इस तरीके का कोई एक स्नैक उसे सर्व करती हूँ। और अगर वो कुछ नहीं ले रहा होता है तो मैं मैंगो शेक बना देती हूँ उसके लिए, जिसको वो बहुत आराम से पी लेता है। थोड़ा ही पीता है पर आराम से पी लेता है। एक और तरीका जिससे मैं उसके अंदर उसके सिस्टम में दूध पहुँचा देती हूँ। आफ्टर दैट आई जस्ट मेक श्योर कि मैं उसकी मालिश कर दूँ। मालिश को मैं थोड़ा रिलीजियसली फॉलो करती हूँ, क्वाइट ओल्ड स्कूल इन दिस मैटर। और जिसके बाद में मैं उसे नहला के तैयार करके 12 से 12:30 के बीच में सुला देती हूँ। इट्स हिज नैप टाइम, जो कि 2:30 से 2:45 बजे के बीच में फिनिश हो जाता है। इस ड्यूरेशन में मुझे जो करना है उस काम को तो मैं आराम से निपटा सकती हूँ। वो उतनी देर में अपनी नींद बहुत अच्छे से पूरी करके उठता है। अब अगर वो 2:30 बजे के करीब उठा है अपनी नाप पूरी करके, तो अप्रॉक्सीमेटली 2:30 से 3 के बीच का टाइम मैं उसे थोड़ा सा बैलेंस कर लेने के लिए, थोड़ा खेल लेने के लिए देती हूँ। जिसके बाद मैं नॉर्मली उसको
उसका दाल चावल वाला जो पोर्शन होता है, जो एक्चुअल लंच पोर्शन होता है, आई नो थोड़ा लेट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, बट बच्चा है, उसका रूटीन है, उसका शेड्यूल है, उसको उसी के हिसाब से मुझे चलने देना होता है। तो 3 बजे के करीब मैं उसके लिए उसका लंच सर्व कर देती हूँ, जिसमें मैं यूजुअली उसे दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, इस तरीके के ऑप्शंस प्रोवाइड करती हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग उसने पराठे या पूड़ी का पोर्शन जो है वो मॉर्निंग में ले लिया होता है अपना। तो मुझे ये लगता है कि दाल चावल जो है उसके लिए खाना ज़्यादा आसान हो जाता है, या राजमा चावल, छोले चावल, जो भी मैंने सर्व किया है, चावल बेस में डिश उसको प्रोवाइड कर देती हूँ उस ड्यूरेशन में खाने के लिए। जिसके बाद में मैं थोड़ा सा टाइम उसे देती हूँ, थोड़ा चलता फिरता है वो, थोड़ा खेलता है, इधर उधर दौड़ता भागता है, थोड़ा उसे म्यूज़िक और डांसिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि उस ड्यूरेशन में थोड़ी ही देर के लिए सही, पर मैं उसके लिए कोई म्यूज़िक, कोई गाना लगा दूँ जिसपे वो और उसके सिस्टर थोड़ा सा डांस वांस कर लें, थोड़ा इन्जॉय कर लें। प्लस मैं उसको टॉयज़ देती हूँ इस तरीके की खेलने के लिए, जैसे आप कह सकते हैं एडुकेशनल बेस्ड टॉयज़। इस पूरे टॉपिक पे मैं पर्टिकुलरली एक सेपरेट वीडियो करने वाली हूँ, किस तरीके के टॉयज़, एजुकेशनल टॉयज़ मैं यूज़ करती हूँ अपने बच्चों के लिए, जिससे मुझे पूरा टाइम उनकी पढ़ाई के पीछे नहीं भागते रहना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनसे वो खुद भी काफ़ी कुछ सीख रहे होते हैं। तो वो वीडियो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली अपडेट कर दूंगी। आप चाहें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, इट्स गोना बी रियली वेरी वेरी प्रोडक्टिव। तो मैं उन लोगों को एडुकेशनल बेस्ड टॉयज़ प्रोवाइड कर देती हूँ उस ड्यूरेशन में, वो लोग आराम से खेलते रहते हैं और मुझे पता होता है कि वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। टॉकिंग अबाउट स्क्रीन टाइम, मैंने अभी तक उसको स्क्रीन टाइम देना नहीं शुरू किया है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग देम दैट टी वी की ऑन कर दिया और कोई एक शो है पर्टिकुलरली जिससे वो देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है। प्लस ही हैज़ दिस पर्टिकुलर हैबिट जहाँ अगर उसके हाथ में मेरा या उसकी चाची का या उसकी मासी का या उसके पापा का फ़ोन आ जाता है, तो वो फ़ोन ले जाके पर्टिकुलरली जिस इंसान का फ़ोन होता है उस इंसान के हाथ में वापस दे देता है, क्योंकि उसे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है स्क्रीन टाइम में, फ़ोन से रिलेटेड भी। तो 3 से 5 के बीच में कुछ इस तरीके से वो खेल रहा होता है। इसी ड्यूरेशन में बीच में कोई एक फ्रूट फिर उसे सर्व कर देती हूँ, लाइक बनाना हो गया या एप्पल हो गया, ऐसा फ्रूट जिसे वो हाथ में लेके खाता रहे और खेलता रहे, इस तरीके का फ्रूट मैं उसे प्रोवाइड कर देती हूँ और वो खाते खाते खेल लेता है, खेलते खेलते खा लेता है, उसे पता भी नहीं चलता है कहाँ डाइजेस्ट हो गया। 5 बजे के करीब मैं उसके लिए इवनिंग स्नैक सर्व कर देती हूँ, जो कि कुछ एक सॉलिड कंपोनेंट होता है, बीट चिल्ला, बीट रवा की इडली, या फिर आजकल वो थोड़ा पास्ता बहुत पसंद करता है तो पास्ता कभी कभी सर्व कर देते हैं, कभी हलवा बना देते हैं, इस तरीके का उसके लिए हम लोग इवनिंग स्नैक सर्व कर देते हैं। वी यूजुअली कीप दम इनसाइड द रूम विद इन दिस टाइम पीरियड, ये 5 से 9 का टाइम पीरियड होता है, इसमें लोग रूम में ही होते हैं। ये वो ड्यूरेशन है जिसमें मैं उसके साथ प्रॉपर नोट पर, जिसे आप कह सकते हैं पढ़ाई, जिसमें फ्लैश कार्ड्स इंक्लूडेड हैं, बुक्स इंक्लूडेड हैं, इस तरीके का टाइम मैं, क्वालिटी टाइम एक्चुअली मैं उन लोगों के साथ में स्पेंड कर रही होती हूँ। एंड आई पर्सनली लव दिस ड्यूरेशन। एंड 9 बजे के आसपास उसका डिनर का टाइम हो जाता है, 9 से 9:15 के बीच में हम लोग उन लोगों का डिनर सर्व कर देते हैं। आज की डेट में ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है कि उसको अपने हाथ से खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है, इतना कि वो 90% डिशेज अपने हाथ से खाना चाहता है, मेरे हाथ से बिल्कुल नहीं खाता, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि उसकी डाइट भी सफ़र करती है, क्योंकि बच्चे यूजुअली प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कितना खाना है कितना नहीं खाना है। तो डिनर ड्यूरेशन में भी मैं उसके सामने उसकी पसंद की 4-5 अलग अलग चीज़ें रखती हूँ। जैसे कि अगर मैंने उसे दाल चावल सर्व किया है तो 15 मिनट बाद मैं उसके सामने रायता भी ला करके रख दूँगी, उसके 15 मिनट बाद मैं लाके पोटैटो से रिलेटेड कोई एक डिश ज़रूर बनाती हूँ, वो मैं उसके सामने ला के रख दूँगी, उसके 10 मिनट बाद मैंने ला करके उसके सामने मान लीजिए दलिया रख दिया थोड़ा सा, कि अगर उसका मन है, अभी भी उसे अगर पेट भरा हुआ नहीं है उसका और उसका मन होगा तो वो थोड़ा सा खा लेगा। कोई एक फ्रूट भी डिनर के बाद हम लोग ज़रूर सर्व करते हैं। इस समय यूजुअली आम होता है, इंडियन हाउसहोल्ड्स आप लोग समझ सकते हैं, आम का सीज़न है, खाने के बाद आम तो ज़रूर ही चलेगा, तो आम भी ज़रूर सर्व कर देते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि पेट भर जाए पूरी तरीके से प्रॉपरली बचेगा, क्योंकि वो टुकड़ों में खा रहा है और ठीक से नहीं खा रहा है, ये हम भी जानते होते हैं, खुद से खाने में बच्चे कितना ही खा पाते हैं। तो अलग अलग चीज़ें एक सीक्वेंस में देने से उसका पेट भर जाता है और मुझे सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है, बच्चा पेट भरा हुआ है, ये आराम से सो जाएगा। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे के आसपास हर हालत में मैं उसे लिटा देती हूँ और 10 से 10:15 के बीच में वो सो जाता है। अगर वो 10 से 10:15 के बीच में सोया है तो वो 7:30 से 7:45 के बीच में मॉर्निंग में उठ जाएगा। इसी तरीके का रोटेशनल उसका शेड्यूल है। रात में वो एक बार प्रॉपरली जगता है जिसमें मुझे उसे फीड कराना पड़ता है, उसके बाद में वो सो जाता है। वो जगना उसका लगभग 4 बजे के आसपास होता है।
उसके अलावा वो आराम से सोता रहता है, वो इस वक्त भी सो रहा है, मैं बैठ के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। इस समय लगभग 12:30 बज रहे हैं रात के, और अभी लगभग अगले 2-3 घंटे मेरा सोने का कोई इरादा नहीं है। तो ऐसे में मैं ये जानती हूँ कि वो आराम से सो रहा होता है बिकॉज ही इज़ फुल। सो यहाँ पे आकर के मेरे बेटे का पूरे दिन का रूटीन जो है मैं फिनिश ऑफ करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट स्टे ब्लेस्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।